बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी जी 14 अगस्त की प्रिपरेशंस रावलपिंडी में और स्पेशली सेटेलाइट टाउन में मौजूद सैफ्रॉन पर, सैफ्रॉन रेस्टोरेंट को किस तरह से इन्होंने सारा डिकोर किया हुआ है ये 14 अगस्त के हवाले से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो ये सारी एंट्रेंस है इसकी, आप यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं और घर भी ले जा सकते हैं। पूरा रेस्टोरेंट है और बहुत ही अच्छा माहौल है, फैमिली आप टूर कर सकते हैं यहाँ पे, अपनी फैमिलीज़ को इजीली लेकर आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छी सर्विसेज भी हैं और खाना भी मज़े का है। और प्राइजेस के हवाले से अगर बात की जाए तो वो भी बिल्कुल मुनासिब है। आगे चल के मैं आपको साथ साथ सारी प्राइजेस भी बताती हूँ। तो बिल्कुल मुनासिब है, ना बहुत ज़्यादा है ना कम है, ठीक है। तो और आपको जो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, पाकिस्तानी डिशेस भी मिल सकती हैं और चाइनीज़ भी है और मीठे में भी हर चीज़ मौजूद है। केक्स हैं, ब्राउनीज़ हैं और आइसक्रीम्स हैं, कोल्ड कॉफ़ीज़ हैं और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको अभी मेन्यू का भी विज़िट करवाऊंगी। तो अभी आप यहाँ देख लीजिए जी किस तरह से इन्होंने सारा डिकोर करके रखा हुआ है और हमें यहाँ पे सीट मिल चुकी है। अच्छा, इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है तो सीट्स जो हैं वो बुक हुई भी होती हैं, बिल्कुल जगह खाली नहीं होती। तो फिर जैसे जैसे सीट्स बनती जाती हैं तो उस तरह से फिर कस्टमर्स को अंदर भेजा जाता है, फिर वरना वेटिंग एरिया में हम लोग बैठे हुए थे पहले। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा इन्होंने डेकोर किया हुआ है, फ्लैग भी लगा हुआ है 14 अगस्त के हवाले से, पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है और उसी थीम पर ही ग्रीन और वाइट कलर के बलून से इन्होंने सारा डेकोरेशन की हुई है। तो जी यहाँ पे हम अब ऑर्डर करने लगे हैं, हमारा मेन्यू आ गया है और अब हम यहाँ पे आपको इनका मेन्यू कार्ड भी दिखाते हैं। यहाँ पे जो ये है प्लेटर्स की सारी आइटम्स, और जो फैमिली प्लेटर के लिए हमने ये मंगवाया था जो 2650 रुपीज़ का था और इसमें बहुत ही मज़ेदार काबली पुलाव और साथ में कबाब, चिकन कबाब, बीफ कबाब और फ़िश कबाब, मतलब काफ़ी चीज़ें थी। ईज़िली दो बल्कि 4-5 बंदे आराम से खा सकते हैं। तो ये एक हमने ये मंगवाया था और साथ में हमने मंगवा लिए थे जी सीख कबाब। और अभी आप बाकी देखेंगे हमारी टेबल पे कि हमने क्या क्या चीज़ें मंगवाई थी। ये जी हमने साथ में मंगवाया था फ़िश एंड चिप्स, ये भी बहुत अच्छी फ़िश थी, मैरिनेटेड भी बहुत अच्छी थी और बिल्कुल स्पाइसेस जो थे वो एक्यूरेट थे, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल मुनासिब थे वहाँ पे। और साथ में ये हमने चिकन सीख कबाब मंगवा लिए थे, बाद में हमने बीफ सीख कबाब का भी ऑर्डर कर दिया था जो कि थोड़ी देर बाद आया था और तब तक हमने खाना शुरू कर दिया था। चाइनीज़ में आपको चाउमीन भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा, जो चिकन चाउमीन है बहुत मज़े का था ये भी। जिस तरह से होता है ना कि मज़े के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर दिए जाते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं था, बहुत ही नॉर्मल से स्पाइसेस थे, बिल्कुल एडजस्टेबल थे। और ये जी इनके कॉर्नर बने हुए हैं बर्थडे स्पेशल के, ये भी आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे सेलिब्रेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे हमारा खाना फिनिश हो चुका था और अब है हमारे जाने का वक्त। तो हम लोग अब वापस जा रहे हैं और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।